देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक स्फेरिकल बलून है, उसकी जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसमें हवा भरी जाती है। फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन टू केसेस। तो हमें इन दोनों केसेस में उनके सरफेस एरियाज में रेशो निकालना है। दो केसेस का मतलब जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तब उसका जो सरफेस एरिया था उसमें, और जब उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो चुकी थी तो तब जो उसका सरफेस एरिया था उसमें। इन दोनों केसेस में हमें रेशो निकालना है उनके सरफेस एरियाज में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले केस फर्स्ट की बात कर लेंगे। तो केस फर्स्ट की जब बात हम करेंगे तो केस फर्स्ट में जो है रेडियस कितनी थी पहले, वो 7 सेंटीमीटर थी। मैंने इसकी रेडियस को R1 मान रहा हूँ। R1 कितनी थी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे हम? सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो हो जाएगा वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस को हमने R1 माना है तो 4 पाई R1 स्क्वायर। तो 4 पाई को आप ऐसे ही रखें, R1 कितना है? 7, 7 टू दी पावर 2। आप आगे इसको सॉल्व ना करें, इतना ही रखें क्योंकि हमें रेशो निकालना है यहाँ। तो अब क्या करेंगे, अब आप केस सेकंड की बात करेंगे। जब केस सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो R2 थी वो कितनी थी? 14 सेंटीमीटर। तो अब इस कंडीशन के बेस पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे। जब सरफेस एरिया हम इसका निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई मल्टीप्लाई R2 कितना है? 14 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2। अब ये भी यहां तक छोड़ करके अब हम क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। जब हमें रेशो निकालना होता है तो जिस चीज का जिक्र पहले हुआ है, 7 सेंटीमीटर रेडियस का पहले जिक्र हुआ है तो उसको हम ऊपर रखते हैं। जो सरफेस एरिया में रेशो निकालना है तो सरफेस एरिया जो आया था 7 सेंटीमीटर की रेडियस को लेकर के, वो कितना आया था? 4 पाई मल्टीप्लाई 7 टू दी पावर 2। और 14 सेंटीमीटर की रेडियस को लेकर के कितना आया था? 4 पाई मल्टीप्लाई 14 टू दी पावर 2। उसको हम नीचे ले लेंगे, 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा। 7 टू दी पावर 2 का मतलब 7 × 7 और अपॉन 14 मल्टीप्लाई 14। तो ये जो है 7 7 7 7 2 14 7 1 7 7 7 2 14। तो ये 1 1 1 ऊपर और 2 2 4। तो हमारे पास रेशो कितना आ चुका है? 1:4। ये इसका रेशो आ चुका है, ठीक है। यही इसका आंसर है।